सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल इनोवेटिव कलाकार को और बेल आइकन दबाइए टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज वीडियोस देखने के लिए। स्वागत है आप सभी का रहस्य गुरु सेगमेंट में। लेके आया हूँ आपके लिए रहस्य से जुड़ी बातें। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, आतंकवाद एक ऐसी बीमारी बन गई है जिसे रोकना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवाद पूरे वर्ल्ड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो कुछ हद तक सक्सेसफुल भी रहा है। फिर चाहे वो अफगानिस्तान हो, नाइजीरिया हो, सीरिया हो, यमन, लीबिया, इराक जैसी कंट्रीज हो। और ऐसे में हमारे दिल में यह डर बैठ गया है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो हमारे बचने के लिए ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ हमें चले जाना चाहिए। तो आज मैं बताने वाला हूँ उन 10 कंट्रीज के बारे में जहाँ आपका बाल भी बाका नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, मैं हूँ अजय सुंदरियाल और आप देख रहे हैं इनोवेटिव कलाकार। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 में है स्विट्जरलैंड। खूबसूरत होने के साथ साथ इस देश की आर्मी काफी स्ट्रांग है। यह ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है जिस पर हवाई हमला करना आसान नहीं है, और अगर हवाई हमला हो भी गया तो भी वहां लगे हुए बंकर आपको कुछ भी नहीं होने देंगे, क्योंकि यह बंकर काफी स्ट्रॉन्ग बनाए गए हैं और इन बंकरों को मार क्षमता झेलने की योग्यता है। जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ था तब स्विट्जरलैंड के पड़ोसी देश जर्मनी, फ्रांस एंड इटली को बहुत नुकसान हुआ था, वो काफी डिस्ट्रॉय हो चुके थे, बट स्विट्जरलैंड का बाल भी बाका नहीं हुआ, जिसका कारण स्विट्जरलैंड की दीवार जैसी पहाड़ियां हैं। नंबर 9 में है तुवालू। हो सकता है काफी कम लोगों ने इस देश का नाम सुना होगा। तुवालू ये काफी छोटा द्वीप देश है जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर ऑस्ट्रेलिया से कुछ ही दूरी पर समुद्र के बीच 3 चट्टानों पर बसा हुआ है, जिसकी आबादी कुल 10,000 है। यहाँ के लोग खुद ही फूड डेवलप करके गुजारा करते हैं, जिसका मतलब यह है कि यहाँ के लोग पूरी तरह आत्मनिर्भर है, यानी कि ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जिससे अदर कंट्री तुवालू पर हमला करे। नंबर 8 में है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को पूरे वर्ल्ड में सबसे डेवलप्ड कंट्री में से एक जाना जाता है और इसको 2015 में ग्लोबल पीस इंडेक्स में नंबर 4 का दर्जा दिया गया था। इसकी यही वजह है कि यह सबसे एकांत और पीसफुल देश है और इसके दुश्मन की संख्याएं 0 हैं। सेम स्विट्जरलैंड जैसी पहाड़ियां यहां भी हैं जो कि न्यूजीलैंड की रक्षा करेंगी। नंबर 7 में है भूटान। ये हिमालयों की पहाड़ियों से घिरा हुआ है और सबसे एकांत देश है जहाँ हवाई हमले करना बहुत मुश्किल है। साल 1971 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने के बाद अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार का राजनीतिक संबंध नहीं है। नंबर 6 में है चिली। ये साउथ अमेरिका का सबसे अमीर और स्थिर राष्ट्र है। यहाँ पर ताजी हवा और एकदम ताजा पानी का भंडार है, क्योंकि यह एक लंबे समुद्री किनारे पर बसा हुआ है और यह ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो ये अमेरिका के लिए सेफ प्लेस है। नंबर 5 में है आइसलैंड। आइसलैंड को दुनिया की विकसित देशों में से एक माना जाता है। साल 2015 में आइसलैंड को ग्लोबल पीस इंडेक्स में नंबर 1 का दर्जा दिया गया था। इससे यह साबित होता है कि देश में कितनी शांति रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह ग्रीनलैंड और यूरोप के बीच समुद्र में बसा हुआ है, जिसकी सीमा किसी भी अन्य देश के साथ नहीं जुड़ी हुई है। पूरा देश रिन्यूएबल एनर्जी पर ही चलता है, जिसका मतलब है जिस एनर्जी को बार बार यूज किया जाए। अन्य देशों की तरह ये भी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नंबर 4 में है डेनमार्क, जिसे ग्रीनलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। डेनमार्क के 80% जमीन पर बर्फ की चादर बिछी हुई है और ये उत्तर अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीचों बीच है, जिस कारण ये देश वर्ल्ड वॉर से दूर ही रहेगा। नंबर 3 पर है माल्टा। दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक माल्टा का नाम भी आता है। इतिहास में इस देश पर कई बार हमले हो चुके हैं मगर किसी को भी सफलता नहीं मिली। अब के टाइम यहाँ कोई मिसाइल नहीं गिराना चाहेगा, क्योंकि ये बहुत छोटा टापू है। मिसाइल गिराने के बाद ये टापू किसी काम का नहीं रहेगा, आपका बेकार में वक्त और पैसा बर्बाद हो जाएगा। नंबर 2 में है आयरलैंड। ये भी एक समुद्र टापू है जो कि काफी विकसित है। यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स नहीं है, आयरलैंड हमेशा स्वतंत्रता में रहता है, इसलिए ये नाटो का भी सदस्य नहीं है। विश लॉ के मुताबिक देश के सरकार और इरिश विधायकों की अनुमति के बाद ही वो किसी बाहरी युद्ध में प्रवेश कर सकते हैं। नंबर 1 में है फिजी। प्रशांत महासागर के अंदर ये देश बसा हुआ है। इस देश में 332 द्वीप हैं, जिसमें 110 द्वीप पर लोग रहते हैं और बाकी सुनसान है। तो ये थे वो 10 देश जो सबसे सेफ हैं। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? अगर आपको कोई और जगह मालूम हो तो प्लीज हमें कमेंट करिए और इस वीडियो को शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इनोवेटिव कलाकार के साथ बने रहिए। जय हिंद।